पृथ्वी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। पृथ्वी करीब करीब गोलाकार है। पृथ्वी की बनावट चपटाकार का गोलाघ है। यह गोलाकार नुमा है, परंतु पृथ्वी की परिक्रमा भूमध्य रेखा को फुला देती है। इसका यह अर्थ है कि ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के विषुव वृत्त के व्यास से भी 43 किलोमीटर कम है। सत्तर प्रतिशत पृथ्वी की सतह जल से भरी है। जब अंतरिक्ष यात्री पहले आकाश में गए, उन्होंने पृथ्वी की ओर पीछे पहली बार मनुष्य की आंखों से देखा और हमारे ग्रह को नीला ग्रह पुकारा। यह अचरज नहीं है। 70% हमारा ग्रह सागरों से आच्छादित है। बचा हुआ 30% समुद्र तल से ऊंची उठी हुई ठोस जमीन है। पृथ्वी अधिकतर लोहा, ऑक्सीजन तथा सिलिकॉन है। यदि आप पृथ्वी में उसकी वस्तुओं के ढेर बनाकर अलग कर रखोगे, तो आपको 32% लोहा, 31.1% ऑक्सीजन, 15.1% सिलिकॉन और 13.9% मैग्नीशियम मिलेगा। बेशक लोहे का अधिकतम भाग असल में पृथ्वी के क्रोड में स्थित है। यदि आप सचमुच क्रोड तक पहुंच उसका एक नमूना प्राप्त करोगे, तो वह 88% लोहा होगा। पृथ्वी का भूपृष्ठ ऑक्सीजन से बना हुआ है। पृथ्वी का वायुमंडल 10,000 किलोमीटर तक बढ़ा है। वायुमंडल पहले 50 किलोमीटर तक घना है, परंतु वास्तव में वह 10,000 किलोमीटर तक पृथ्वी की सतह से बड़ा हुआ है। यह वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है, जिसे एक्सोस्फीयर कहते हैं, और वह पृथ्वी की सतह से 500 किलोमीटर ऊपर से शुरू होता है। जैसे हमने कहा, वह 10,000 किलोमीटर ऊपर तक जाता है। इस बिंदु पर मुक्त चलने वाली वस्तुएं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से बच जाते हैं और सूर्य के सौर पवन से बहाए लिए जाते हैं। पृथ्वी को अपनी धुरी पर परिक्रमा करने 24 घंटे नहीं लगते, वास्तव में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लगते हैं। इसका अर्थ है, दिन को जितना हम समझते हैं, उससे वह 4 मिनट कम होता है। आप समझते होंगे कि उसे दिन पे दिन मिलाएंगे, तो कुछ महीनों में रात दिन होगी और दिन रात होगा। याद रखो कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, और अतः यदि आप सूर्य से थोड़ी गति को ध्यान में रखोगे, और क्योंकि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, साथ ही साथ वह अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, आपको कुल 24 घंटे मिलते हैं। यह हमारी पहचान सा लगता है। पृथ्वी का एक वर्ष 365 दिन नहीं है। वह वास्तव में 365.2
2564 दिन है। यह अतिरिक्त 2564 दिन जो लीप वर्ष की जरूरत को बनाता है, इसीलिए हम फरवरी में एक दिन अतिरिक्त जोड़ देते हैं। प्लेट टेक्टोनिक ग्रह को आरामदायक रखता है। यह माना जाता है कि 300 मिलियन वर्ष सारे भूखंड कभी एक पैंजिया नामक भूखंड था। वे क्रमानुसार सरकते रहे और आज वे ऐसे दिखते हैं। आपको उनका सरकना महसूस नहीं होता क्योंकि वे प्रतिवर्ष कुछ ही सेंटीमीटर सरकते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव। सौर मंडल का पांचवा बड़ा सशक्त ग्रह होने के कारण पृथ्वी की स्थूलता, जिससे हमें ग्रह को चिपके रहने पर्याप्त होने जितना गुरुत्वाकर्षण है, उसका खिंचाव सशक्त है। पृथ्वी का अंदरूनी क्रोड लोहे का है और बाहरी क्रोड से घिरा हुआ है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि इस द्रव रूपी बाहरी क्रोड से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र सौर आंधी एवं खतरनाक अंतरिक्ष किरणों से ग्रह को बचाए रखती है। पृथ्वी जीव भरी एकाएक ग्रह है। अब के लिए पृथ्वी हमारी जानकारी के अनुसार एक ही ऐसा स्थान है जहां जीवन है। अब वह एक दिलचस्प विषय है।